नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार की नीतीश सरकार अब तक कई क्षेत्रों में लोगों को राहत देने के लिए सब्सिडी देने का काम करती रही है। चाहे वो आपकी रसोई में जल रही गैस हो या फिर कोई योजना हो, सरकार सब्सिडी देने का काम करती आई है। इसी बीच अब बिहार की नीतीश सरकार बिहार के अन्नदाताओं को भी सब्सिडी देने का काम करने वाली है। जी हाँ, आपने सही सुना, नीतीश सरकार ने अब एक बार फिर से किसानों को कृषि यंत्रों पर दी जाने वाली सब्सिडी को दोबारा से चालू करने का निर्णय लिया है। कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने की योजना एक साल से बंद थी, जिसके बाद ही अब राज्य सरकार इसे फिर से चालू करने जा रही है। हालांकि किसानों के लिए केंद्र की योजना तो पहले से ही चल रही है, लेकिन किसानों का इससे काम नहीं चला तो फिर से राज्य सरकार अपनी योजना को लाने जा रही है। खबर के अनुसार लगभग 100 करोड़ का प्लान बना है। सरकार की मुहर लग गई तो इस बार 80 यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगा। ताजा अपडेट को देखें तो बिहार की नीतीश सरकार अपने खजाने से लगभग 75 यंत्रों पर अनुदान देने का काम करती रही है। बीते साल इसे बंद कर दिया गया था, लेकिन अब एक बार फिर से इसे शुरू करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि अब एक बार फिर से जब इसे शुरू किया जा रहा है, ऐसे में इस बार अब न केवल सब्सिडी मिलने वाली है बल्कि यंत्रों की संख्या भी बढ़कर 80 हो गई है, जिससे किसानों को सीधा फायदा होगा। क्योंकि कृषि यंत्रों के मूल्य का 50% अनुदान मिलने से किसानों की जेब पर बोझ भी कम पड़ेगा। वहीं अगर किसान पराली प्रबंधन से जुड़े यंत्रों की खरीदारी करते हैं तो इसमें उन्हें 80% तक अनुदान मिल सकता है। हालांकि ध्यान रहे कि नए यंत्रों में सरकार का सबसे अधिक जोर लैंड लेवलर पर होने वाला है। इसके अलावा गन्ना पेराई मशीन पर भी अनुदान मिलने वाला है। इसके साथ ही बागवानी से जुड़े नए यंत्र भी अनुदान सूची में इस बार शामिल कर दिए गए हैं। इसके अलावा नई योजना में किसानों को ट्रेनिंग देने का भी प्रावधान किया गया है। नए यंत्रों के संचालन के साथ यंत्रों के रखरखाव की ट्रेनिंग किसानों को अब दी जाएगी। इस योजना का सीधा फायदा हर साल लगभग 50,000 किसान उठाते हैं। इस बार सरकार ने 98 करोड़ सब्सिडी देने का निर्णय लिया है, जिससे उम्मीद है कि किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। साथ ही अब किसान आसानी से यंत्रों की खरीदारी भी कर सकेंगे। इससे उन्हें उनकी खेती में काफी मदद तो मिलेगी ही, साथ ही साथ जेब पर भी कम बोझ पड़ेगा। क्योंकि मौसम पर किसानों की खेती काफी ज्यादा निर्भर करती है, और मौसम किसानों का साथ दे तो उपज सही होती है, लेकिन मौसम ही उनके अनुकूल ना हो तो काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ता है, जिसका सीधा असर उनकी कमाई पर होता है। ऐसे में यंत्रों की खरीदारी में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन अब किसान बेफिक्र होकर इन यंत्रों की खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि किसानों की मदद अब सीधा सरकार करने वाली है, जिससे उम्मीद अब यही है कि किसानों की खेती भी बढ़िया होगी और किसानों की जेब पर बोझ भी नहीं पड़ेगा। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।